मेष राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है, फिफ्थ हाउस के अंदर। क्या होगा, हमारे पढ़ने वाले बच्चों को मिलेंगे एग्जाम के अंदर 100 में से 100% मार्क्स, मिलेगा मनचाहा परिणाम। और क्या होगा, संतान की परेशानियों का होगा निदान, पिता पुत्र के संबंधों में आएगा ठहराव। उपाय क्या रहेगा, उगते हुए सूरज को जल का अर्घ प्रदान कीजिए। निश्चित तौर पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से फोर्थ हाउस के अंदर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। क्या होगा, उससे मिलेगा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का संपूर्ण सुख। और क्या होगा, नौकरी हो या व्यापार हो, मिलेगा मनचाहा लाभ, मन के सुख शांति समृद्धि आपके पास होगी। उपाय क्या होगा, रविवार को पशु पक्षियों की यथाशक्ति सेवा करनी है। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन का आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य आपकी राशि से तीसरे हाउस के अंदर तीसरे भाव में करेंगे प्रवेश। क्या होगा, उससे होगी पद पावर प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि। बस जमकर मेहनत करनी होगी, पुट यूर 200% एफर्ट्स। उपाय क्या रहेगा, रविवार के दिन जरूरतमंद मरीजों को दवा वितरित कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर होने जा रहा है। सूर्य बदलेंगे अपना घर, करेंगे आपकी राशि से द्वितीय भाव में प्रवेश। क्या होगा, जमकर बरसेगी धन दौलत, दूर होगी रुपए पैसों की किल्लत। उपाय क्या रहेगा, रविवार को वृद्धाश्रम में छाछ के पैकेट का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। सूर्य आपके घर में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या होगा, उससे यश मान वैभव सम्मान इन सब की प्राप्ति होगी। लेकिन सूर्य लग्न में आएंगे तो दिमाग में आती तेजी से आपको बचना होगा। डिसीजन में एक एग्रेसिवनेस आएगी, नेचर में एग्रेसिवनेस आएगी, तो थोड़ा शांति से चलिएगा। उपाय क्या रहेगा, अपाहिज व्यक्ति को बैसाखियों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर होने जा रहा है। क्या होगा, उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर मिलेगा मनचाहा लाभ, विदेश यात्रा के बनेंगे योग, कहीं अटका हुआ पैसा है तो वो आपको वापस मिलेगा। उपाय क्या रहेगा, कुष्ठाश्रम में यथाशक्ति गुड़ का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। क्या होगा, उससे बिजनेस में मिलेगा मनचाहा लाभ और नौकरी व्यापार में आपका जो कद है वो और भी ऊंचा होगा, सफलता मिलेगी। उपाय क्या रहेगा, आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्यदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। क्या होगा, वर्किंग सेक्टर में मिलेगी उन्नति, होगा आपकी सैलरी में मनचाहा इंक्रीमेंट, पद प्रतिष्ठा का विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। वर्किंग सेक्टर में मनचाहा परिणाम आपको मिलने वाला है।
उपाय क्या रहेगा, रविवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में रोट गुड़ और घी का भोग लगाइएगा, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दशक, सितारे कहते हैं कि सूर्यदेव आपकी राशि से नाइन्थ हाउस के अंदर नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्यदेव के आपकी राशि से नाइन्थ हाउस में गोचर से मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का रहेगा गोल्डन टाइम, सर्वश्रेष्ठ समय। कहते हैं भाग्य अच्छा तो सब अच्छा। उपाय क्या रहेगा, रविवार के दिन लाल रंग की गौ माता की यथाशक्ति सेवा कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। मकर राशि वाले हमारे दशक, सूर्यदेव आपकी राशि से एर्थ हाउस के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। क्या होगा, अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है अथवा अप्रत्याशित धन हानि भी हो सकती है। किसी भी तरह के लांछन से, अनैतिक कार्यों से आपको बचना होगा। उपाय, रविवार के दिन अंधे बच्चों के आश्रम में गेहूं का दान कर दीजिएगा, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दशक, सूर्यदेव आपकी राशि से सेवंथ हाउस के अंदर गोचर करने जा रहे हैं, सातवें भाव में। अविवाहित जो हमारे दशक हैं, उनको मिलेगा जीवन साथी, होगा उनका ब्याह, और जो विवाहित दशक हैं उनको मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख, कलह कलेश खत्म होगी, प्रोफेशनल सेक्टर में मिलेगी आपको तगड़ी जीत। उपाय, रविवार को अपाहिज लोगों को भोजन कराइएगा, निश्चित तौर पर सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दशक, सूर्य आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। क्या होगा, करनी होगी जीतोड़ मेहनत, खर्चों में हो सकती है वृद्धि, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है। उपाय क्या रहेगा, रविवार के दिन बैल को यथाशक्ति गुड़ और गेहूं खिलाइएगा, निश्चित तौर पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा।